दिवाली के दिन ऋषि के सामने मलिष्का और लक्ष्मी की जान पर आएगा बड़ा खतरा और ऋषि बचाएगा लक्ष्मी की जान और किसी एक की नहीं होगी वापसी जो लक्ष्मी को करेगा परेशान। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में पहली बार लक्ष्मी के कहने पर ऋषि घर पर दिवाली की पूजा करेगा जिससे ऋषि की माँ काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन जब ऋषि के पापा ऋषि को कहेंगे मेरी माँ की माँ यानी कि मेरी नानी कहा करती थी कि ये काजल का टीका अगर किसी को भी लगा दे तो उसे नजर नहीं लगती, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये काजल का टीका लक्ष्मी को लगाओ, और इसीलिए ऋषि काजल का टीका लक्ष्मी को लगाने के लिए लक्ष्मी के पास जाएगा। लेकिन ऋषि खुद अपने हाथों से लक्ष्मी को टीका ना लगाने के लिए लक्ष्मी को कहेगा कि लो लक्ष्मी ये काजल का टीका अपने कान के पीछे लगा लो जिससे तुम्हें नजर नहीं लगेगी। लेकिन लक्ष्मी के हाथों में पूजा की थाली होने की वजह से ऋषि खुद लक्ष्मी को अपने हाथों से सीढ़ियों पर बिठाएगा और काजल का टीका लक्ष्मी के कान के पीछे लगा देगा और लक्ष्मी की तारीफ करेगा। लेकिन जब ऋषि ये कहने के लिए जा ही रहा होगा कि मैं एक बुरा पति हूँ और मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, तब लक्ष्मी ऋषि का मुंह अचानक से बंद कर देगी और बाहर पटाखों की अचानक से आवाज आएगी जिस वजह से लक्ष्मी ऋषि को कहेगी कि चलो बाहर चलते हैं। लेकिन तभी अचानक से मलिष्का की वापसी होगी और वो अपने नाम पर एक बॉयफ्रेंड को लेकर आएगी जो और कोई नहीं बल्कि आकाश चौधरी होगा, और मलिष्का ऋषि को जलाने के लिए लक्ष्मी को कहेगी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जिससे ऋषि को मन ही मन मलिष्का पर काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन बड़ा खतरा तब आएगा जब गार्डन के बीच में मलिष्का और लक्ष्मी होगी, तभी चारों ओर अचानक से पटाखे फूटने लगेंगे और दोनों की ही जान को काफी बड़ा खतरा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा लक्ष्मी की जान पर होगा क्योंकि लक्ष्मी के चारों ओर पटाखे ही पटाखे फूट रहे होंगे और लक्ष्मी बीच में काफी ज्यादा डर जाएगी, जिस वजह से जब ऋषि मलिष्का को देखकर गार्डन में बचाने के लिए पहुंचेगा तभी वहां पर ऋषि की नजर अचानक से लक्ष्मी पर जाएगी और ऋषि बीच में कंफ्यूज हो जाएगा कि वो अब मलिष्का को बचाए या फिर लक्ष्मी को। लेकिन लक्ष्मी ने हजार बार ऋषि की जान बचाने की वजह से और लक्ष्मी के आसपास पटाखों का ज्यादा खतरा होने की वजह से ऋषि सबसे पहले लक्ष्मी को बचाएगा, वहीं दूसरी ओर मलिष्का बचाव बचाव करने का सिर्फ नाटक ही कर रही होगी। लेकिन जब ऋषि लक्ष्मी को बचाकर साइड पर ले जाएगा तब मलिष्का को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और मलिष्का खुद वहां से चली जाएगी, जिससे ऋषि को एहसास होगा कि मलिष्का सिर्फ और सिर्फ बचाव बचाव करने का नाटक कर रही थी। लेकिन ऋषि काफी गुस्से से जब मलिष्का को अकेले में ले जाएगा तब ऋषि मलिष्का से सवाल करेगा कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, तब मलिष्का कहेगी कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी की फिक्र है, वहाँ पर तुम्हें लक्ष्मी से पहले तुम्हें मुझे बचाना चाहिए था, तुमने उस लक्ष्मी को क्यों बचाया। तब ऋषि कहेगा कि वो तुमसे ज्यादा खतरे में थी और उसने पहले ही मेरी कई बार जान बचाई है और उल्टा मैं उसका पति हूँ, इसीलिए मेरा पहला फर्ज बनता है कि मैं सबसे पहले लक्ष्मी की जान बचाओ, और कहेगा कि जब मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा था तब तुम खुद वहाँ से चली गई, जिसका मतलब यह है कि तुम सिर्फ खतरे में रहने का नाटक कर रही थी। यह सुनकर मलिष्का कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन जो मलिष्का के साथ आएगा वो लक्ष्मी को काफी ज्यादा परेशान करेगा। और लेकिन आपको क्या लगता है कि ऋषि सबसे पहले किसे बचाएगा, मलिष्का को या फिर लक्ष्मी को, और आपको ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसी लग रही है यह सब हमें कॉमेंट में जरूर बताएं, और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।